फिल्म गली बॉय काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। दरअसल गली बॉय को ऑस्कर साल 2020 में एंट्री मिल गई है। इस फिल्म में लीड एक्टर्स का रोल आलिया भट्ट और रणवीर सिंह ने निभाया था। इस फिल्म को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। वहीं बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड भी तोड़े थे। इसी के चलते भारत की ओर से फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर के लिए भेजा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म को जोया अख्तर ने डायरेक्ट किया था। गली बॉय में रणवीर सिंह ने एक रैपर का किरदार निभाया था। मुंबई के स्लम एरिया से एक रैपर होता है जो अपनी सामाजिक और आर्थिक हालात से ऊपर उठकर स्टार बनना चाहता है। ये फिल्म स्ट्रीट रैपर डिवाइन और नेजी पर बनी थी। फिल्म के ऑस्कर में पहुंचने की जानकारी फरहान अख्तर ने अपने ट्वीट के जरिए दी है। बता दें कि फरहान ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। फरहान ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, गली बॉय को भारत की तरफ से 92वें ऑस्कर के लिए चुना गया है। शुक्रिया फिल्म फेडरेशन और जोया को शुभकामनाएं। गली बॉय 14 फरवरी 2019 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, कल्कि कोचलिन, सिद्धांत चतुर्वेदी, विजय राज और अमृता सुभाष थीं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।